यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और उधर सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है, खबर सूत्रों के हवाले से है। चंडीगढ़ से यह खबर निकल के सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राजनीतिक बदलाव की आशंका जताई जा रही है, सीएम पद के लिए कांग्रेस उतारेगी महिला उम्मीदवार, बड़ी खबर है ये। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि आशा हुड्डा के नाम को मिल सकती है हरी झंडी। सूत्र ये कहते हैं कि आशा हुड्डा को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी हैं आशा हुड्डा। अब इस बात में कितनी पुष्टि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वो वक्त बताएगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि आशा हुड्डा आने वाले वक्त में कांग्रेस की एक ऐसी उम्मीदवार हो सकती हैं कि जिन्हें सीएम पद का दावेदार बनाया जा सकता है। इसके बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। इसी पूरी खबर पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता कुमार रमेश। कुमार रमेश, इस खबर में कितना दम है कि कांग्रेस इतना बड़ा कदम उठा सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो आजकल सिस्टम के अनुसार जो चल रही है, जहां पे हमने देखा होगा कई प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की तैयारी में है और दो तीन को बदल दिया गया, तो इससे पहले भी रैलियों में कई बार किरण चौधरी साफ कर चुकी है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में कहीं ना कहीं महिला को जो है मुख्यमंत्री बना सकती है, और शायद इसीलिए उन्होंने एक बार बयान भी दिया था कि वो अगली मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। लेकिन जो सोर्स बताते हैं वो उसके अनुसार ये है कि हुड्डा का जो कद है वहां पर मजबूत है, और भले अगर महिला उम्मीदवार के नाम पर अगर मोहर लगती है तो वो कहीं ना कहीं जो है आशा हुड्डा होंगी। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरे सोर्सेज है वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम की अनाउंसमेंट इतनी जल्दी नहीं की जाएगी कि कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर उम्मीदवारी इस प्रकार से घोषित कर दी जाएगी तो जो गुटबाजी है वो तेजी से हावी होगी और उसका नुकसान भी मिलेगा। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज है वो बताते हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए इस बार जो है कांग्रेस ने गेम प्लान किया है। उनको लगता है कि अगर महिला उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में टिकट दिया जाएगा तो उनको काफी लाभ भी होगा, और इसी संदर्भ में ये बयानबाजी शुरू हुई है और ये माना जा रहा है कि इस बार जो है हरियाणा में कांग्रेस जो है महिला उम्मीदवार एज ए सीएम कैंडिडेट उतार सकती है। हाँ, लेकिन इसमें ये माना जा रहा है कि आशा हुड्डा का नाम सर्वोपरि है। अब उसके बाद कुमार रमेश, कई और सीनियर लीडर हैं महिलाओं की अगर बात करिए हरियाणा में, उन तमाम नेताओं को क्या दरकिनार करके इस तरीके से कांग्रेस इस तरफ जा सकती है, क्योंकि कुमारी शैलजा भी हैं जो बहुत सीनियर हैं, उनका भी नाम चर्चाओं में रहा है। देखिए, शैलजा का नाम बिल्कुल चर्चाओं में रहा है और शैलजा सोनिया के बिल्कुल नजदीक भी रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए कितना वो सटीक है ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो नॉन जॉट की जो राजनीति शुरू से चलती आई है जिससे बीजेपी को सत्ता मिली है, तो हो सकता है कि वो आशा हुड्डा को ना भी उतारे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हुड्डा का गढ़ जो मजबूत है, इस कारण जो माना जा रहा है कि अगर महिला को अगर वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाते तो उसमें आशा हुड्डा का नंबर वन जो स्थान होगा, और उसके बाद कुमारी शैलजा हो सकती है, उसके बाद बाकी और लोग हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, अभी ये शुरुआती रुझान टाइप की चीजें हैं, अभी जब ये मामला आगे बढ़ेगा तो क्या निकल के आता है, क्योंकि जिस प्रकार की आज चर्चाएं उठी हैं उससे साफ होता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस क्या गेम प्लान करती है। लेकिन मौजूदा जो दृष्टि दिख रही है उससे साफ तौर पर लगता है कि आशा हुड्डा का जो है वर्चस्व थोड़ा सा ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल कुमार रमेश, अगर जिस तरीके से आशा हुड्डा का नाम निकल कर सामने आ रहा है, अगर इनके नाम पे मुहर लगती है तो तवर गुट को एक बड़ा झटका मिल सकता है। हालांकि खबर अभी ये सूत्रों के हवाले से दे रहे हमारे संवाददाता कुमार रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अगर सीएम पद के लिए कांग्रेस महिला उम्मीदवार उतारती है तो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में तमाम महिलाएं आई जिन्होंने राजनीति की, उनका कद भी बड़ा है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी हैं आशा हुड्डा, अगर उनको आगे करके कांग्रेस चुनाव में जाना चाहेगी तो एक राजनीतिक बदलाव देखा जा सकता है।